आज हम एक नए क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर CSIR नेट में पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा करना होता नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, एक्स है जो 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, वाई 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। इसको हम जेड भी बोल सकते हैं या फिर f(x,y) भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, 10, 0, -25 एंड 15। तो हम देखिए, हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। बाई मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम ग्राफ छापेंगे जो गिवन दे रखा है, उसके अनुसार एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े दे रखे हैं, दोनों के दोनों इस साइड से तो बड़े होंगे। और सेकेंड वन क्या पूछा हुआ है हमारे पास में, एक्स है जो 10 से छोटा है। मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, एक्स 10 से छोटा है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन ऐसे सीधी खींचेगी, 10 हमारे पास में जो एक्स है वो इधर की साइड में है, वाई हमारे पास में 5 है, वाई की लाइन एक यहाँ खींचेगी, तो इसका क्या मतलब है, वाई हमारे पास में इससे छोटा है। तो हमारे पास में जो रीजन है, ये रीजन बना, यहाँ पे जो पॉइंट बन के आएगा ये 10, 5, इन पॉइंटों को हम लिख लेंगे। ये 0, 0 है, ये 5, 0, 5 है और ये 10, 0। इसको ए, इसको बी, इसको सी पॉइंट मान लेंगे, इसको डी पॉइंट। अब क्या करना है, जो हमारे पास में फंक्शन था जेड इज इक्वल्स टू 4x-5y+10। अब हर किसी पॉइंट को एक बार इसको सब पॉइंटों को इसमें रख के देखेंगे, जो मिनिमम आएगा उसी को हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बना देंगे। जैसे जेड ऑफ ए तो 0, 0 पुट करना, 10 आया। जेड ऑफ बी 10 और 0 पुट करना, यहाँ पे 40, यहाँ पे 0+10 50। अब है जेड ऑफ सी कितना, 10 है और 5 है, 10 से करूँगा तो 40, 5 है तो यहाँ 25 हो जाएगा, +10 = ये कितना हो जाएगा, 50 में 25 हो जाएगा तो 25। जेड ऑफ डी 0 है और हमारे पास में 5 है, एक्स की जगह 0 पुट करूँगा 0, इधर वाई की जगह 5 करूँगा तो 25+10 = हो गया हमारे पास में -15। तो हमारे पास में क्या है, जेड एट 0, 5 पे -15 है जो कि मिनिमम है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में 10 दे रखा है, ये भी नहीं है, 0 भी नहीं है, हमारे पास में भी नहीं है -25, तो हमारे पास में क्या है, -15। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और मेरे टेलीग्राम लिंक ग्रुप को भी लाइक कर सकते हो इन वीडियोज़ की लिंक देखने के लिए। एंड धन्यवाद।